हेलो दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं जो हमेशा अपने गोल्स की तरफ भागते तो हैं लेकिन उन्हें अचीव नहीं कर पाते, अगर आप उनमें से हैं जो प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन आधी अधूरी प्रिपरेशन में अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और फिर उन्हें अचीव नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, प्रिपरेशन, सक्सेस के लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए, इस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। कितना टाइम देना चाहिए हमें किसी गोल की तरफ आगे बढ़ने से पहले प्रिपेयर होने के लिए। जब मैं इस पॉइंट पे सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो मुझे अब्राहम लिंकन का एक कोट याद आता है और वो लिखते हैं, गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 आवर्स शार्पनिंग द एक्स। मतलब वो कहते हैं कि अगर आप मुझे बोलते हैं कि 6 घंटों में इस पर्टिकुलर झाड़ को गिरा देना है, तो मैं पहले 4 घंटे मेरे हथियार को धार लगाने में बिताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही गहरा मीनिंग ये कोट हमें देता है। आप सोच के देखिए, जब भी हम किसी काम को शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, जल्द से जल्द कैसे उस काम की शुरुआत की जाए, और उस जल्दबाजी में हमसे गलतियां हो जाती हैं। और जब वो गलतियां हम कर जाते हैं, तो इवेंचुअली जो उसका रिजल्ट आना है वो हमारे सोचे अनुसार नहीं आता है। इसलिए कोई भी गोल जब हमें हासिल करना है, तो हमें उसकी तरफ बढ़ने वाले कदम पहले डिसाइड करने होंगे, जिसे मैं कहता हूँ वो प्रिपरेशन है। और उन प्रिपरेशन के बिना जब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो इवेंचुअली हम हमारा भी टाइम खराब करते हैं, प्लस उस रिजल्ट से जिनका भी फायदा होने वाला था उनका भी टाइम खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ स्टेप्स यहाँ पर डिसाइड करने होंगे कि क्या है प्रिपरेशन और कैसे किसी गोल को हासिल करने के पहले स्टेप वाइज हम अलग अलग प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम उन स्टेप्स को नहीं समझेंगे, तब तक हम हमारे उन प्रिपरेशन आइडियाज पर काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला कदम जो हमें उठाना चाहिए वो है, ताकि हम हमारे हुनर को, हमारे क्वालिटीज को सुधारने में एक्चुअली समय दे सकें। तो सबसे पहला कदम है, हमें चेक करना होगा कि कौन सी क्वालिटीज, कौन से हुनर, कौन से स्किल्स हमें इस पर्टिकुलर गोल को हासिल करने में लगने वाले हैं। जब तक हम उन स्किल्स को नहीं पहचानेंगे, देखिए, इसके पहले आपने लाइफ जैसे भी बिताई है, उसमें आपने जो भी गोल्स अचीव किए हैं, क्या वही सारे स्किल्स यहाँ पर काम आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। आपको नई क्वालिटीज, नई स्किल्स आपको सीखनी होगी, और तब जा करके आप अपने इन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। उन्हीं स्किल्स के साथ आगे अगर बढ़ जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, क्लैरिटी लेकर के आना, अपने गोल्स को चेक करके, अपने डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करके, वो क्लैरिटी लेकर के आना कि इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए, कौन सी स्किल चाहिए। हमने हमारी स्किल्स चेक की, हमारे पास ये स्किल्स हैं। फिर दूसरा कदम हमने देखा कि ये जो गोल है इसे अचीव करने के लिए अब हमें कौन कौन से स्किल्स चाहिए। जब आपका ये चेक पॉइंट क्लियर हो जाता है, आपको मालूम चल जाता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए मुझे ये 3 से 4 नई स्किल्स सीखनी होगी। आप सोच के देखिए ना, आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, लेकिन इस नए गोल को अचीव करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन आपको यहाँ पर इस गोल को अचीव करने के लिए टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल चाहिए, जो शायद आपने इसके पहले नहीं निभाई हो। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे अब कौन सी नई स्किल सीखनी होगी। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा उस नई स्किल को सीखने के लिए। फिर से एक बार अगर हम अब्राहम लिंकन के उस कोट को याद करें, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले 4 घंटे मैं अपनी धार बनाऊंगा, उस हथियार की धार बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब वो हथियार की धार पूरी बन जाएगी, तो उसके बाद जो 2 घंटे हैं
उसमें आप देखेंगे शानदार इफिशियंसी के साथ आप उस झाड़ को कट कर पाएंगे। और वहीं उसका उल्टा सोच के देखिए, अगर उस हथियार में धार नहीं है, भले ही आपके अंदर कितनी भी पावर हो, आप रोज बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप जो कुछ भी करते हो, लेकिन अगर उस हथियार में धार नहीं है तो आपको वो 6 घंटे भी शायद कम पड़े। इसलिए अपने स्किल्स को पहचानना और उन स्किल्स के ऊपर टाइम दे करके काम करना, ताकि हम हमारे जो हथियार हैं उनमें धार बना सके, और जब वो धार बन जाएगी फिर जब आप उस काम की शुरुआत करेंगे कोई आपको नहीं रोक पाएगा। एक शानदार प्रोडक्टिविटी के साथ आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ मेहनत काम नहीं आती, हमें हार्ड वर्किंग के साथ साथ हमारे प्रिपरेशन को भी टाइम देना होगा। अगर सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिक्स एंड मैच करके चलना होगा, सो दैट हम हमारे उस लक्ष्य तक, हमारे उस गोल तक बड़े ही आसानी से पहुंच जाए। कैसे मिलेगा ये टाइम प्रिपरेशन के लिए? दोस्तों, जब भी आपको लगे कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, अब नए गोल्स को अचीव करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए कहां से टाइम लेकर के आऊं, तो उसका रास्ता है आर्ट ऑफ डेलीगेशन। आपको अपने अभी चल रहे कामों को डेलीगेट करना होगा, उन्हें किसी और को सौंपना होगा, क्योंकि अब वो रेगुलर काम हो गए हैं। अब उन्हें आप सिर्फ समझा देंगे कि ऐसे 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 करना है, वो शायद पूरा भी हो जाए, लेकिन जब तक आप डेलीगेट नहीं करेंगे वो प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे आपके गोल्स जितने दूर है उतने ही दूर रह जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लर्निंग्स। आर्ट ऑफ डेलीगेशन के जरिए आगे बढ़िए। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, कैसे डेलीगेट करते हैं कामों को, इसके ऊपर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप लेता हूँ, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई दोस्त हैं जो नए सपने देखते हैं लेकिन उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी सवाल आपके मन में हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।